नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खबरों पर लगातार फोकस और उसी के चलते बलरामपुर का सबसे पहले जिक्र। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। आपको बताएं कि पुलिस ने छापामारी कार्रवाई के दौरान एक ट्रक से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री को जब्त किया। पुलिस का यह भी कहना है कि ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक सामग्री लेकर मध्य प्रदेश की ओर जाने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से दो आरोपियों को भी पकड़ा है। पूछताछ भी लगातार की जा रही है, संबंध तलाशने की कोशिश की, कहां से ये विस्फोटक लाए जा रहे थे, कहां खपाने की कोशिश थी और किसके संबंध में ये सप्लाई हो रही थी, ये पता करना महत्वपूर्ण। 18 तारीख को बलंगी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो ट्रक विस्फोटक जब्त हुआ था, क्योंकि ये जो विस्फोटक था ये रायगढ़ महाराष्ट्र से सिंगरौली मध्य प्रदेश जाना था। इन्होंने जो रूट चार्ट बना हुआ था उसका वायलेशन किया था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां कट्टे की नोक पर व्यापारी को लूट लिया गया। व्यापारी अनिल जैन पर कट्टा तानकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचते हैं व्यापारी के साथ, इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। 40,000 रुपए और एक्टिवा लूटकर बदमाश फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यापारी अनिल जैन दुकान बंद करके घर ही जा रहे थे और कुर्जे वाला मोहल्ले इलाके में ये पूरी घटना हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, गुजरात कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तस्वीरों के जरिए भी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर की घटना है। और अगली खबर गरियाबंद से है, जहां महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर में महिला डॉक्टर का शव पाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। छुरा नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा क्रम है। महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। महिला डॉक्टर किस वजह से ये कदम उठाने पर मजबूर रही, ये अभी भी संशय है, इस पर जांच का विषय है। पुलिस परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो पड़ोस में रहा करते थे, हो सकता है कोई ना कोई सुराग पुलिस के यहाँ जरूर लगे, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से ये अप्रिय घटना। गरियाबंद से खबर, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अवसाद वजह हो सकता है आर्थिक तंगी, तमाम पहलू जिस पर जांच की जा रही है। और महासमुंद में कोमाखान रेलवे क्रॉसिंग के पास में ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। रेलवे प्रशासन घायल लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाने के लिए पहुंचा। बताया यह भी जा रहा है कि लड़की को सर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, फिलहाल इलाजरत है। रेल हादसे का शिकार हुई है लड़की, लेकिन फौरन पुलिस की सक्रियता के चलते, सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते इस बच्ची को अस्पताल ले जाया जा सका। रेलवे प्रशासन लगातार निगरानी बनाए ही रहता है इस तरह के हादसों को लेकर, और सक्रियता उनकी ये स्पष्ट भी करती है कि किस प्रकार से कई सारे लोग जिन्हें जीवन दान मिला है, आरपीएफ जवानों की भी सक्रियता आपने अक्सर देखी होगी इस तरह के हादसों में। और अगली खबर जशपुर से है, जहां भतीजे ने बुजुर्ग चाचा की हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी भतीजे ने शव को दफना दिया। मौके से भतीजा और उसका परिवार दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। मामले की जांच पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। क्या विवाद रहा कुछ, ये भी पता लगाने की कोशिश। कासाबेल थाना के बटाई केला की पूरी घटना है। जशपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी है और भतीजा भी मौके से फरार हो गया। परिवार का भी अभी तक पता नहीं चल पाया कि कहाँ है। जानकारी जुटा रही है पुलिस, पता लगाने की कोशिश कि आखिर विवाद क्या रहा। ये खौफनाक घटना जशपुर की, भतीजा और उसका परिवार अभी भी फरार है। और अगली बड़ी खबर भिलाई से आपको बताएं, जहां सड़क दुर्घटना में एक शख्स की जान जा चुकी है। ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई है। बीएसपी कर्मचारी मृतक बताया जा रहा है, जिसकी इस घटना में मौत होना सामने आया है। कुर्सीपार में सड़क दुर्घटना के चलते मौत हुई है। कुर्सीपार थाना क्षेत्र की ही पूरी घटना और हादसे का पता लगाने को लेकर पुलिस की तरफ से भी जांच जारी। बीएसपी कर्मचारी रहा, भिलाई से ये जानकारी
तो ट्रक की चपेट में आने से मौत होना अभी तक स्पष्ट हुआ है। सड़क दुर्घटना में एक और शख्स की जान आज चली गई और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करवाने का प्रयास हमेशा ही विभाग करता है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार के हादसे। सूरजपुर की बात कर लेते हैं। नाबालिग लड़की लड़के ने खुदकुशी कर ली है। आपको बताएं कि पेड़ पर दुपट्टा लटका हुआ पाया गया और उसी के चलते फांसी लगाने की आशंका, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने का शक भी है। हालांकि परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, मुख्य वजह उसके बाद ही पता चल पाएगी। जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। नाबालिग लड़का लड़की फांसी के फंदे पर जैसे ही शक देखा गया फौरन पुलिस को सूचित किया गया। यही आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये सब किया गया, लेकिन अभी भी पुलिस जाँच कर रही है। और श्योपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां चंबल नहर कैनाल कट गई है। पानी रिसाव होने के चलते चंबल नहर कैनाल कटी है, खेतों में अब नहर का पानी भरने लगा है। ये एक बड़ी चिंता का सबब होता है। पानी रोकने की मशक्कत में ग्रामीण भी लगातार जुटे हुए, समय पर इरिगेशन विभाग भी नहीं पहुंचा। पानी रोकने की मशक्कत में ग्रामीण खुद ही प्रयासरत है। टर्रा माफी गांव के पास चंबल मुख्य नहर का पूरा मामला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नहर कटना यानी किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी। खड़ी फसल पर अगर पानी चलता है तो आप देखिए तहस नहस हो जाता है पूरा खेत, और वही प्रकार का मंजर। और चलिए अगली खबर जशपुर से बताते हैं आपको, जहां 35 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ भी लगातार चल रही है। पत्थल गांव थाने के बटुआ कछार का ये पूरा मामला। जशपुर से खबर, 35 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, अनुमानित कीमत 3,50,000 रुपए। पत्थल गांव थाने के बटुआ कछार का ये मामला है। तस्करों को सजग रहना, सावधान रहना, जिसे पुलिस की तरफ से भी एक चेतावनी के तौर पर बताया जाता है। इस प्रकार के धंधे छोड़ दें, मुख्य धारा से जुड़ें, इस प्रकार से पुलिस की तरफ से अक्सर चेताया भी जाता है। इसके बावजूद नशे का अवैध कारोबार लगातार छत्तीसगढ़ में चलता हुआ, हालांकि नकेल कसने की कोशिश में पुलिस भी बिल्कुल पीछे नहीं। 35 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इस प्रकार से लगातार कार्रवाई का सिलसिला नशे के खिलाफ अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर देखें। तस्कर से भी पूछताछ की जा रही है, कनेक्शंस निकालने की कोशिश की, आखिर कहां से गांजा लेकर आ रहे थे, कहां सप्लाई करने की कोशिश थी, क्या एक बड़ा गिरोह व्यक्ति के पीछे है। ये तमाम चीजें हैं जो अभी भी जांच का पहलू है। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां टेंट हाउस में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आपको बताएं कि सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण आग की लपटें आप देख पाएंगे तस्वीरों में। बिलासपुर की ये पूरी घटना, टेंट हाउस में भीषण आग लगी थी और उसी के चलते ये बड़ी दुर्घटना हुई है। तो काबू पाने की मशक्कत में फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार प्रयासरत थी। उस दौरान की भी ये तस्वीरें आप देखिए, किस प्रकार से फायर ब्रिगेड की टीमों की तरफ से कड़ी मशक्कत की जा रही थी आग पर काबू पाने के लिए। टेंट हाउस में भीषण आग लगी थी, तमाम चीजें यहां पर थी और इसी के चलते आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। रात की ये घटना, और महासमुंद से आगे खबर आपको बताएं, जहां 17 दुकानों में एक साथ चोरी हुई है। शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी घटना, चोरी के बाद
व्यापारियों में दहशत का माहौल है। बाहरी चोरी गैंग पर चोरी का शक भी है। बसना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, आप सोचिए यहाँ पर बदमाश इतने बेखौफ हैं कि एक दो नहीं बल्कि सीधे 17 दुकानों में चोरी की जाती है। बहुत बड़ी वारदात अपने आप में। तो ये बड़ी खबर, बाहरी चोरी गैंग पर चोरी का शक और ये सीसीटीवी फुटेज जो घटना के दौरान का मंजर भी बताते हैं। एक साथ बदमाश यहां पर पहुंचे और उसके बाद ये बड़ी वारदात, किस प्रकार से शटर तोड़े जाते हैं, एक एक कर हर दुकान को निशाना बनाया गया, 17 दुकानों में एक साथ चोरी हुई है। अपने आप में बहुत बड़ी वारदात और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि अब कार्रवाई का सिलसिला तेज होना चाहिए, क्योंकि खौफ पैदा करना भी एक बड़ा मकसद पुलिस की तरफ से अब होना चाहिए। और अगली खबर राजनांदगांव से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था ये व्यक्ति। गुमका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, राजनांदगांव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का ये आरोपी जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, बताया गया कि अपहरण किया बच्ची का इस व्यक्ति ने और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते फौरन बच्ची का पता लग पाया, बच्ची को बरामद किया गया और इस व्यक्ति को अब पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार हो चुका है व्यक्ति। गुमका थाना क्षेत्र का ये मामला और अब कार्रवाई का सिलसिला इस पर चलेगा। और राजनांदगांव में जिले के 23,000 से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इसी के चलते धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदारी भी आपको बताएं कि काफी तेज हो रही है। ये भी बता दें कि 9,76,000 क्विंटल धान की खरीदारी अभी तक हो चुकी है। राजनांदगांव का यह सिलसिला, धान जहां छत्तीसगढ़ में खास मुद्दा भी इस बार रहा और उसी की खरीदारी को लेकर ये अच्छी खबर है कि अच्छी खासी कीमतें किसान को अपने धान की मिल रही हैं और उसी प्रकार से धान बेचने के लिए किसान भी बहुत बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। 9 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान अभी तक बेचा जा चुका है। प्रचार से लेकर मतदान के आखिरी मिनट तक प्रत्याशियों के साथ उनके परिवार और कार्यकर्ताओं ने जमकर पसीना बहाया। नेताजी थोड़े रिलैक्स मोड में अब नजर आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात करें, लंबे समय बाद परिवार के साथ सुकून से वक्त बिताते नजर आए हैं। और अगली खबर छतरपुर से है। खजुराहो में दिग्विजय सिंह का धरना खत्म हो चुका है। होटल से आकर एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। इससे पहले खत्म करने की सूचना, उससे बाद होटल से आकर एक बार फिर से दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खजुराहो थाने के सामने धरने पर कल से ही बैठे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद बवाल भी हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीच में खबर भी आई कि एसपी जब मनाने पहुंचे तो धरने से उठ गए, धरने को खत्म कर दिया। पुलिस के आश्वासन से कहीं ना कहीं परिपूर्ण महसूस कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं दिग्विजय सिंह। गिरफ्तारी की मांग पर अब अड़े हुए हैं। बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग कुछ देर पहले करते नजर आ रहे थे। और अंबिकापुर में वोटिंग के बाद मंत्री अमरजीत भगत अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते नजर आए हैं। मंत्री ने कहा कि चुनाव के चलते मां से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, साथ ही उन्होंने पांचवी बार सीतापुर सीट से जीत का दावा भी किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान 17 नवंबर को हो चुका है। ऐसे में इस वक्त हम मंत्री अमरजीत के बंगले में हैं और उनके साथ आज उनकी माँ भी दिख रही है। कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं वोट खत्म होने के बाद? हम तो पहले भी रिलैक्स थे, आज भी रिलैक्स है और आगे भी रिलैक्स रहेंगे। हमारे सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना है। और सीतापुर विधानसभा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ का लोगों का झुकाव, लोगों का जुड़ाव ऐसा है कि वहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती है, अभी भी कांग्रेस ही जीतेगी।
और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस को ही लोग जिताएंगे। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी वक्त हो गया माँ से नहीं मुलाकात हुआ है। हाँ, इस बार मेरे लिए बड़ा बेचैनी था कि मैं माँ से नहीं मिल पा रहा हूँ, और उस दिन भी नामांकन और स्क्रूटनी के बाद मैं तुरंत निकल गया। बाद में फ़ोन में बात किया था, अभी नहीं मिल पाया तो माँ पता चला कि अभी मैं रायपुर मीटिंग में निकलने वाला हूँ, तो खुद ही चली आई। काम अभी भी उसी तरीके से, आपके बंगले में हमेशा भीड़ रहता है? हमारा काम तो वैसे ही है, और लेकिन अभी जब तक अभी परिणाम नहीं आ रहा है तब तक लोग भी अभी इंतजार कर रहे हैं कहीं कोई बहुत ज़्यादा काम के लिए। जल्दीबाजी किसी को नहीं है, लोग अपने अपने गांव में क्या रहा उसी का समीक्षा, और सब लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, बोले कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। जवाबदारी पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी घोषणाएं हम लोगों ने की है अब उसको पूरा करने का वक्त रहेगा। उसमें बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती रहेगा उसको हम पूरा करना, और उसको सरकार के आने की बात करेंगे। तो ये थे मंत्री अमरजीत भगत, जो 4 बार सीतापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी और मिलेगी। श्रवण महंत, News 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अगली बड़ी खबर भिंडी से है, जहां FIR पर तनातनी देखने को मिली है। FIR की मांग को लेकर थाना प्रभारी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने आ गए। महगांव में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह और महगांव थाना प्रभारी में बहस हो गई। तनातनी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था, और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं पर तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी के चलते बात बढ़ी, बहस तक पहुंची, दोनों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई। तो भिंड से ये जानकारी, तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी और थाना प्रभारी के बीच ये कहासुनी हुई। आरोप ये लग रहा था कि बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ ना FIR की गई है, ना कार्रवाई की जा रही है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसी के चलते ये बहस। आज बारात में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई आपस में, तो एक पक्ष में FIR हो गई थी, दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR नहीं की जा रही थी। तो मेरा TA साहब से इतना कहना था कि भाई जो सही है उसको करिए। दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष के मुंह सूझे रखे हैं, तो दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। हमने न्याय की मांग की है TA साहब से, और थाना प्रभारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 15 मिनट में वो भी FIR कर रहे हैं और सबको न्याय मिलेगा। उस बात के बाद हम। और अब वक्त एक ब्रेक का है, फौरन